देख रहे हैं डार्क फाइल्स, तो चलिए पढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। एक महीने पहले ही रितु की शादी हुई थी। उसके पति अमित असम के एक सरकारी हॉस्पिटल में डॉक्टर थे। रितु भी डॉक्टर थी और शादी के बाद उसने अपना तबादला अमित के हॉस्पिटल में करवा लिया था। अमित की हर हफ्ते में दो बार हॉस्पिटल में नाइट ड्यूटी लगते थे। उन रातों को रितु की नौकरानी रिश्मा उसके साथ उनके घर पर ही रुक जाती। रिश्मा असम के साथ आदिवासी कबीले के साथ थी और कुछ ही दिनों में उसकी रितु के साथ अच्छी दोस्ती हो गई थी। एक रात अमित हॉस्पिटल जाने को तैयार हो रहा था, उसकी नाइट ड्यूटी थी। रिश्मा उस रात रितु के साथ उसके घर पर ही रुक गई। रात का खाना खाने के बाद अमित हॉस्पिटल जाने के लिए अपनी कार में बैठा, लेकिन उसकी कार स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। बहुत कोशिश करने के बाद अमित ने हार मान ली और कार से उतर गया। वैसे ही काफ़ी देर हो गई थी। अमित को जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल पहुंचना था। जंगल के बीच से होता हुआ एक छोटा सा रास्ता सीधे हॉस्पिटल को जाता था। अमित ने वही रास्ता लेना ठीक समझा। रितु को जल्दी सो जाने की और रिश्मा को मेम साहब का ख्याल रखने की हिदायत देकर अमित घर से निकल पड़ा। अमित के जाने के बाद रितु घर की सारी खिड़कियां और दरवाजे बंद करके सो गई। रिश्मा ने भी रसोई घर में अपना बिस्तर बिछाया और सो गई। कुछ समय बाद रितु ने बाहर के दरवाजे पर दस्तक सुनी, जिससे उसकी नींद खुल गई। गहरी नींद में होने की वजह से उसे उस वक्त का कोई होश नहीं था। उसने झट से आंखें खोली और चारों तरफ देखा, अभी भी अंधेरा ही था। उसे लगा शायद कोई मरीज आया हो। उसने जल्दी से जाकर दरवाज़ा खोला। दरवाजे के खुलते ही उसने जो दृश्य देखा उससे रितु के रोंगटे खड़े हो गए। अमित बड़ी बदहवासी की हालत में उसके सामने खड़ा था। उसके कपड़े तार तार हो गए थे, उसके चेहरे और हाथ खून में डूबे हुए थे। रितु समझ गई कि हॉस्पिटल से वापस आते वक्त जरूर किसी जंगली जानवर ने अमित पर हमला किया है। तब तक रिश्मा भी वहां आ चुकी थी। रितु और रिश्मा ने अमित को सहारा देकर उसके कमरे तक ले गईं। रितु ने रिश्मा को सो जाने को कहा और वो अमित के जख्मों पर मरहम लगाने में जुट गई। अमित तब तक गहरी नींद में सो गया था। रितु ने जब अमित के चेहरे पर लगे खून को साफ किया तो उसकी हैरानी की कोई सीमा ना रही। अमित के चेहरे और हाथों पर कोई जख्म नहीं था, मतलब ये कि वो खून अमित का नहीं बल्कि किसी और का था। रितु ने अमित के होठों पर से खून साफ किया तो उसने देखा कि अमित के दांतों के बीच कुछ फंसा हुआ था। रितु ने गौर से देखा तो उसे लगा कि वो मांस का टुकड़ा है। रितु हैरानी में पड़ गई क्योंकि अमित तो मांस खाता ही नहीं था। फिर उसने सोचा, हो सकता है हॉस्पिटल में उसके दोस्तों ने जबरदस्ती खिला दिया हो। अमित ना मांस खाता था ना शराब पीता था, मगर दोस्तों के बहुत आग्रह करने पर वो उनका दिल रखने के लिए थोड़ा सा चक जरूर लेता था। रितु ने टूथपिक की मदद से वो मांस का टुकड़ा अमित के दांतों से निकाला। रितु ने उस टुकड़े को करीब से देखा तो उसे घिन आने लगी। वो तो कच्चा मांस था। ऐसे मांस के टुकड़े उसे अमित के नाखूनों में भी फंसे मिले। रितु को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मामला क्या है। फिर उसने देखा कि अमित की उंगली से वो हीरे की अंगूठी भी गायब है, जो उसके जन्मदिन पर रितु ने उसे तोहफे में दी थी। रितु ने जिस रुई से खून साफ किया था उसे संभाल कर रख लिया। उसने अमित के नाखूनों और दांतों से मिले मांस के टुकड़े को भी संभाल कर रख लिया। अगले दिन सुबह अमित उठा और हमेशा की तरह हॉस्पिटल जाने को तैयार हो गया। उसका बर्ताव बिल्कुल सामान्य था, जैसे पिछली रात का कुछ हुआ ही ना हो। तैयार होकर वो नाश्ता करते समय रोज की तरह अखबार पढ़ने लगा। रिश्मा ने उसके सामने चाय की प्याली रख दी और बड़ी हैरानी से अपनी मालिक को देखने लगी। रितु ने इशारे से उसे चुप रहने को कहा। रिश्मा फौरन वहां से चली गई।
कल रात हॉस्पिटल से जल्दी क्यों लौट आए तुम? रेशमा के जाते ही रितु ने पूछा। कल रात के करीब 3 बजे मुझे बड़े जोर से सर में दर्द होने लगा, अमित ने चाय की एक चुस्की ली और कहा। मैंने हॉस्पिटल की ड्यूटी डॉक्टर गुप्ता से संभालने के लिए कहा और घर वापस चल पड़ा। जंगल से होते हुए जब मैं आ रहा था तो मुझे चक्कर आने लगे। फिर सच कहूँ तो मुझे ठीक से कुछ याद नहीं, और सुबह जब मेरी आँख खुली तो मैं अपने घर पर था। इतना कहकर अमित ने फिर से अखबार पढ़ने लगा। फिर उसने अपना नाश्ता खत्म किया और हॉस्पिटल जाने को तैयार होने लगा। रितु भी तैयार हो गई और उसके साथ चल पड़ी। जाने से पहले उसने रिश्मा को हिदायत दी कि वो कल वाली बात का किसी से जिक्र ना करे। हॉस्पिटल पहुंची तो रितु को बताया गया पुलिस एक लाश लेकर आई है जिसका पोस्टमार्टम उसे करना है। रितु ने वो लाश देखी तो उसके होश उड़ गए। उसने आज तक किसी लाश को इतनी बुरी हालत में नहीं देखा था। उस लाश पर हर जगह दांतों और नाखूनों से हुए वार दिल को दहला देने वाले निशान थे। ऐसा लगता था कि किसी हैवान ने बड़ी बर्बरता से उस पर हमला किया हो। पुलिस को वो लाश आज सुबह जंगलों में से मिली थी। रितु ने पोस्टमार्टम शुरू कर दिया। मुआयना करते समय रितु को उस लाश पर लगे जख्मों में से एक हीरे की अंगूठी मिली। वो उसे देखते ही पहचान गई, वो अमित की अंगूठी थी। रितु के मन में शक घर कर गया। सच्चाई की तह तक पहुंचने के लिए उसने उस मांस और खून की जांच की जो उसे अमित के शरीर पर मिले थे। जब रिपोर्ट आई तो रितु का शक यकीन में बदल गया। वो खून और मांस उस मृतक के ही थे। रितु सोच में पड़ गई, अगर इस आदमी ने अमित की अंगूठी लूटने की कोशिश की थी तो अपने बचाव के लिए अमित लातों और घूसों से उस पर वार करता। ये जानवरों की तरह दांतों और नाखूनों से हमला करने की क्या जरूरत थी? रितु ने सोचा कि जब तक पूरे सच का पता नहीं चलता वो ये बात यहीं दबा देगी। उसने वो अंगूठी छिपा दी और रिपोर्ट में ये लिख दिया कि उस व्यक्ति पर किसी जानवर ने हमला किया था जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। अब रितु अमित की गतिविधियों पर चोरी छिपे नजर रखने लगी। उसके बर्ताव में कहीं कोई भी बदलाव नहीं दिखाई दिया, पर हर पूनम की रात को वो यूं ही खून से लथपथ और बेहाल हालत में घर आता। अगले दिन सुबह पुलिस को जंगल में से कोई लाश जरूर मिलती जिसका पोस्टमार्टम करते समय रितु को कोई ऐसा सबूत मिलता जो अमित को कातिल ठहराता। इस कश्मोकश में डूबी रितु बहुत उदास रहने लगी। वो घंटों मेडिकल साइंस की किताबें पढ़ती और इंटरनेट पर मेडिकल रिसर्च के आर्टिकल पढ़ती रहती। फिर भी उसे कुछ समझ नहीं आता कि आखिर अमित को हुआ क्या है। एक दिन उसने वेयरवुल्फ पर लिखा एक लेख पढ़ा। पहले तो उसे बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ, लेकिन फिर भी उसने एक बार तसल्ली कर लेना ठीक समझा। अगली पूनम की रात को जब अमित नाइट ड्यूटी के लिए हॉस्पिटल जाने वाला था तब रितु ने चुपके से उसका पीछा करने की योजना बनाई। उस लेख में यह भी लिखा हुआ था कि अगर वेयरवुल्फ के सामने मांस का टुकड़ा फेंक दो तो वह शिकार करना छोड़ देता है। रितु ने मांस के कुछ टुकड़े साथ रख लिए और अमित के पीछे पीछे चल पड़ी। अमित तेज कदमों से आगे बढ़ रहा था। वो जब जंगल के बीचों बीच पहुंच गया तो पूनम का चांद बादलों के पीछे से निकल आया। चांद की रोशनी पड़ते ही उसके कदम एकदम से रुक गए और वो जोर से चीखा और उसकी चीखों से सारा जंगल गूंज उठा। धीरे धीरे उसके शरीर में कुछ बदलाव आने लगे। रितु एक बड़े से पेड़ के पीछे छुपकर उसे बड़ी हैरानी से देखने लगी। अमित की आंखें लाल अंगारों सी हो गई, उसके नाखून लंबे और खूंखार हो गए, उसके सारे शरीर में बड़े बड़े बाल उग गए, उसके दांत भी लंबे और पैने हो गए। वो अब पूरी तरह से एक वेयरवुल्फ में तब्दील हो चुका था। तभी वहां से एक आदमी गुजरा और अमित उस पर झपटा, लेकिन इससे पहले कि अमित उसके टुकड़े टुकड़े कर डालता रितु ने उसके सामने मांस का टुकड़ा डाल दिया। अमित बड़े चाव से मांस खाने लगा
और वो आदमी अपनी जान बचाकर भाग गया। रितु घर की तरफ जाने वाले रास्ते पर उसके सामने मांस के टुकड़े डालती रही। अमित उनको खाते हुए घर की तरफ बढ़ा। चांद फिर से बादलों के पीछे छुप गया और अमित का शरीर वापस से पहले जैसा हो गया। अमित बेहाल हो चुका था और वो जमीन पर गिर गया। इतने में रिश्मा भी आ गई। रितु और रिश्मा ने अमित को बिस्तर पर लिटा दिया। हमारे कबीले के सरदार परम ज्ञानी हैं, अमित के सो जाने के बाद रिश्मा ने रितु से कहा, अब वो ही आपकी मदद कर सकते हैं, तो मुझे उनके पास ले चलो, रितु ने रोते हुए कहा। मुझे किसी भी हालत में अमित को बचाना है। जिसके बाद रिश्मा रितु को उस कबीले के सरदार के पास ले गई। उस कबीले के सरदार ने पूरी बात सुनी तो रितु ने यह भी बताया कि बहुत साल पहले अमित ने एक भेड़िए का शिकार किया था, जिसके बाद से ही ऐसा सब होने लगा। जिसके बाद कबीले के सरदार ने उन्हें एक ताबीज दिया और कहा कि इसे अमित के हाथों में बांध देना और कभी मत खोलना। और उस दिन के बाद से अमित बिल्कुल ठीक हो गया। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। मेरा एक मित्र बलवंत रात को 12 बजे के करीब सिनेमा देखकर अपने घर लौट रहा था। रास्ते में ऑटो वाले से कहा, भाई साहब ये हाईवे का दूसरा सर्कल जहां आता है वहां पर उतार दोगे? ऑटो वाले ने अपनी बड़ी बड़ी और लाल आंखों से बलवंत को देखा और कहा, 200 लगेंगे। ये तो बहुत ज्यादा है भाई साहब, जान से ज्यादा है क्या? इस वक्त मेरे सिवा कोई नहीं जाएगा, देना है तो दो वरना निकलो। अच्छा ठीक है, ले लो चलो। ऑटो गड़गड़ाहट करते हुए चला जा रहा था। बाहर हर चीज डरावनी लग रही थी। बलवंत ने सोचा, आज तो आ गया पर कभी इतनी लेट इधर नहीं आऊंगा। मन ही मन अपने डर को छुपाता हुआ बाहर देख रहा था। पेड़ पौधे, सड़क, अंधेरा, साएं साएं करती हवाएं, सब मिलकर कोई खौफनाक मंजर दिखा रहे थे। ऑटो वाला भी शायद डरा हुआ था इसलिए चुपचाप चले जा रहा था। इतना बड़ा शहर पर इस रोड पर तो मुश्किल से 2 या 3 गाड़ियां ही दिखाई दी होंगी। सड़क किनारे गौर से देखो तो अजीबोगरीब आकृतियां दिखाई देती हैं। कोई भी इंसान नहीं दिख रहा था। अचानक बलवंत ने कहा, ये क्या? सड़क से दूर एक कुआं है जहां शायद कोई दिखा। बलवंत ने कहा, भाई जरा धीरे चलाना। ऑटो की गति धीमी हो गई। ध्यान से देखा तो 3 छोटी छोटी लड़कियां सफेद चोगा पहने हुए कुएं में देखकर हंस रही थी। मन बैठ गया, सांसें तेज हो गई। फिर देखा आसपास कोई भी नहीं है, केवल वो 3 छोटी छोटी लड़कियां कुएं में देखती हैं, फिर आसमान की ओर मुंह करके जोर जोर से हंसती हैं, फिर कुएं में देखती हैं, फिर आसमान की ओर मुंह करके जोर से हंसती। तभी बलवंत ने कहा, भगा भगा ऑटो भगा भाई। ऑटो वाले ने हड़बड़ाहट से ऑटो को भगाया। दिल थक सा हो गया। वो क्या था? वो लड़कियां आधी रात को हाईवे पर क्या कर रही थी? वहां तो कोई घर भी नहीं है। नहीं नहीं नहीं, ये कैसे हो सकता है? क्या वो डायन थी? क्या वो सिर्फ मुझे दिखी? खौफ के मारे मुंह गला सब सूख गया, हाथ पैर कांप रहे थे। ऑटो वाले से कुछ भी कहने लायक नहीं रहा। मन ही मन सोच रहा था, सब ठीक ही बोलते हैं, साला ये रोड़ी भूतिया है। तभी अचानक एक महिला ऑटो के सामने आई और ऑटो रुकवाने लगी। खुले बाल, सफेद साड़ी, आंखों की जगह बस काजल ही दिखाई दिया। तभी बलवंत ने कहा, मत रोकना भाई साहब, मत रोकना। ऑटो वाले ने कहा, अरे इतनी रात में कहाँ जाएगी बेचारी, फंस गई होगी। ये कहकर उसने ऑटो रोक दिया। मुझे आगे सर्कल तक जाना है, बैठो। बलवंत का मन नहीं माना। वो उस औरत को डरते डरते गौर से देखने लगा। जैसे ही वो ऑटो में चढ़ने लगी, बलवंत का कलेजा मुंह को आ गया। बाप रे, इसके तो पैर ही उल्टे हैं। आवाज बैठ गई, गला चोक हो गया। वो बलवंत के बगल में ही बैठी थी। बलवंत ने उसकी ओर एक बार भी पलट कर नहीं देखा, बस चुपचाप अपनी सीट पर जमकर बैठ गया। पूरा शरीर जैसे का तैसा रह गया,
जैसे किसी शेर को सामने से देख लिया हो, जैसे किसी ने स्टैचू बोल दिया हो, यहाँ तक कि सांस लेने में भी हलचल नहीं हो रहे थे। उसे लगा आज ये टायन मुझे और इस ऑटो वाले को मारकर खा जाएगी, आज तो मर ही जाएंगे। मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ, वो औरत अगले सर्कल पर उतर गई। जैसे ही वो ऑटो से उतरी, बलवंत की जान में जान आई। बलवंत ने ऑटो वाले से कहा, अरे भाई साहब आज तो दोनों मरते मरते बचे, मैं कह रहा था ना मत रोकना, वो औरत को आपसे ध्यान से देखा नहीं आपने, उसके पैर उल्टे थे। इस पर ऑटो वाले ने कहा, मुझे पता था कि उसके पैर उल्टे हैं, इसीलिए मैंने ऑटो रोकी, अगर मैं ऑटो नहीं रोकता तो वह हमारे ऑटो के पीछे दौड़ती और शायद हमें मार भी डालती, इसलिए मैंने ऑटो रोका और उसे लिफ्ट दी, वरना आज हम दोनों मर जाते। तो दोस्तों ये थी आज की कहानियाँ। अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आई हों तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।